सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10वीं मैथ का, हमारा एक्सरसाइज है 6.2 और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन क्या यहाँ पर कह रहा है, सारी बातें यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। ये हमारा फिगर है, आकृति 6.18 आपके किताब में 6.18 आकृति होगा। मैं यदि एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर है सी बी के यानी बी सी के, यानी एल एम समांतर जो है वो बी सी है तथा एल एन समांतर सी डी है। एल एन समांतर सी डी है, एल एम समांतर बी सी है, एल एन समांतर सी डी है। तो हमको साबित करना है ए एम बट्टे ए बी और ए एन बट्टे ए डी करना है, ठीक है। ए एम बट्टे, अब क्या है, ए एम बट्टे में ए बी पूरा, फिर साबित करना है हमको ए एन और बट्टे में ए डी पूरा, ये हमको क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, आओ सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास दिया क्या है। दिया है, ठीक है, दिया है यही वाला लिखना होता है, आकृति में एन, या लिख लेते हैं जो दिया है, एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी, ठीक है। ये चीज़ हमको दिया हुआ है, साबित क्या करना है, हमको साबित करना है, साबित करना पड़ेगा हमको ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी, ये अपने क्या करना है, साबित करना है। कैसे कर सकते हैं, जरा देख लीजिए प्रमाण। सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ये वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर क्या दिया है, एल एम समांतर है बी सी के, एल एम समांतर यहाँ पर हमको दिया है बी सी, ठीक है, ये बी सी हो जाएगा ना, बी सी एल एम समांतर दिया यहाँ पर हमको बी सी के। अब जब एल एम समांतर बी सी है तो क्या हो जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं हम ए एल बट्टे एल सी, ए एल बट्टे एल सी बराबर ए एम बट्टे एम बी, ए एम बट्टे एम बी, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ऐसा क्यों हो गया, अगर हम इस त्रिभुज में देखेंगे एल एम समांतर है बी सी के तो ए एल बट्टे एल सी और ए एम बट्टे एम बी, ऐसा क्यों हो गया, थेल्स प्रमेय के कारण। थेल्स प्रमेय हमको क्या बताता है, यदि किसी त्रिभुज में इस तरीके से किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को वो समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है, ये थेल्स प्रमेय बताता है, इसलिए इसको लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमको क्या करना है, अब आना है, अब या तथा लिखो, तथा त्रिभुज इसमें देख लो ए डी सी में, ए डी सी में, अब ए डी सी में क्या करना है, हमको दिया है यहाँ से देखो, या यहाँ से एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी, अब देखो एल एन समांतर यदि सी डी है तो लिख सकते हैं क्या, ए एन बट्टे एन डी और ए एल बट्टे एल सी, इसलिए लिख सकते हैं ए एन बट्टे एन डी बराबर ए एल बट्टे एल सी, और ये भी क्यों होगा, ये भी होगा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 का देखो, तो ए एन बट्टे एन डी यहाँ पर भी है, ये ए एल बट्टे एल सी यहाँ भी है, ए एल बट्टे एल सी यहाँ पर भी है, मतलब एक पक्ष तो बराबर है, दूसरा पक्ष भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास हो जाएगा ए एम बट्टे एम बी, ए एम बट्टे एम बी बराबर हो जाएगा ए एन बट्टे एन डी, एन बट्टे एन डी। अब इसको करना क्या है, व्यतिक्रम ले लेना है, मतलब उल्टा देना है, दोनों तरफ क्या करना है, उल्टा देना है, तो उल्टा लेते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा एम बी बट्टे ए एम बराबर एन डी बट्टे ए एन, व्यतिक्रम लेने पर, ठीक है, व्यतिक्रम लेने पर, ये यहाँ से हम लिख लेते हैं, उसको उल्टा दिए। अब उल्टाने के बाद करना क्या है, दोनों तरफ हमको एक जोड़ना है, जोड़ देते हैं ए एम बट्टे एम बी प्लस 1 कर लेते हैं बराबर ए एन बट्टे एन डी प्लस 1 कर लेते हैं,
ठीक है, इस तरफ देख लिया क्वेश्चन को, आओ जरा। तो हमने क्या कहा, एम बी बट्टे ए एम प्लस वन बराबर एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन प्लस वन। एलसीएम लेंगे यहाँ से, ए एम का और वन का एलसीएम कितना हो जाएगा, ए एम, ए एम हो जाएगा। और यदि ए एम में ए एम से भाग देंगे एक होगा, एक को एम बी से गुना करो तो एम बी, और इसी तरीके से वन से अगर ए एम में भाग दे दे तो ये हो जाएगा ए एम, ए एम को यदि वन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए एम। फिर इधर आ जाओ, ए एन हो जाएगा, इसी तरीके से ये एन डी हो जाएगा प्लस यहाँ पर ए एन हो जाएगा। अब गौर से देखो, एम बी प्लस ए एम किधर है, एम बी प्लस ए एम यानी ये और ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी, नीचे में बच जाएगा हमारे पास ए एम बराबर एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो पूरा ए डी हो जाएगा, ये हमारे पास ए डी हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा ए एन। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। हमने व्यतिक्रम लिया था ना, इसको उल्टाया था, तो फिर क्या कर सकते हैं, इसको हम उल्टा सकते हैं या लिख सकते हैं इसको ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी। साबित क्या करना था हमको, साबित करना था ए एम बट्टे ए बी, ए एम बट्टे ए बी और ए एन बट्टे ए डी, ए एन बट्टे ए डी। तो ये क्या हुआ, लिख देंगे यहाँ से प्रूव्ड या साबित हुआ, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर तीन, जो हमने बड़ा ईजिली कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार को। तो क्वेश्चन नंबर देखो चार है हमारे पास, चार में क्या कह रहा है, एक चित्र दिया हुआ है, चित्र 6.19, ये 6.19 चित्र है, बुक में भी होगा एनसीईआरटी के बुक में। यहाँ पर अपने को दिखाना, यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले ये देखो, डी ई समांतर ए सी है, डी ई समांतर ए सी है तथा डी एफ समांतर ए ई है, तथा डी एफ समांतर ए ई है। तो हमको दिखाना क्या है, बी एफ बट्टे एफ ई और बी बट्टे ई सी, ये दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं, दिया है हमारे पास क्या दिया है, ये इन्फॉर्मेशन क्या है ये देख लो, ठीक है। चित्र से, चित्र में क्या दिया है, डी ई समांतर ए सी दे दिया है तथा डी एफ समांतर ए ई दे दिया है। साबित क्या करना है अपने को, साबित करना है देखो यहाँ से, बी एफ बट्टे एफ ई बराबर बी ई बट्टे ई सी, ये अपने को क्या करना है, साबित करना है, ठीक है। अब यहाँ से अपने करना क्या है, ये देखो करना ये है, प्रमाण लिखना है, सिंपल सी बात है, प्रमाण लिखा हमने। तो अपने को यहाँ से करना क्या है, ये देखो करना ये है, सिंपली हमको जाना है त्रिभुज ए बी ई में, किसमें, ए बी ई, इस वाले त्रिभुज में देखना है, त्रिभुज ए बी ई में। यदि नहीं दिख रहा तो दिखा दे, चलो जी दिखा देते हैं क्या है ए बी ई। हमारा त्रिभुज इस प्रकार से है, ये है और ये है हमारा डी एफ, ये हमारा डी एफ है, ये ए है, ये बी है, ये ई है, अभी दिखाई दे रहा है, चलो जी बहुत बढ़िया। यहाँ पर दिया है डी एफ समांतर ए ई, क्या दिया हुआ है, डी एफ समांतर ए ई। अब जब डी एफ समांतर ए ई होगा तो थेल्स परमेश देखो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बी एफ बट्टे एफ ई बराबर बी डी बट्टे डी ए, बी एफ बट्टे एफ ई बी डी बट्टे डी ए किससे हो जाएगा, थेल्स परमेश, थेल्स परमेश से, ठीक है। तो ये हमने किया त्रिभुज ए बी ई का काम। अब त्रिभुज में देख लेते हैं, किस त्रिभुज में, ए बी सी में, इसको ही बना दे, चलो जी ये पूरा त्रिभुज है ए बी सी, ये वाला त्रिभुज है अपना, और इसमें एक लाइन है यहाँ पर डी, इस प्रकार से है डी, यहाँ है ई, यहाँ है। अब दे रखा है कि डी समांतर है बी सी, देखो यहाँ से दिया हुआ है डी, डी ई समांतर है ए सी के, यहाँ से लिखेंगे तथा त्रिभुज, अच्छा इसको मान लेते हैं समीकरण एक, तथा त्रिभुज किस में, ए बी सी में, ए बी सी में क्या दिया हुआ है, डी ई समांतर ए सी, डी ई समांतर ए सी, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, बी ई बट्टे ई सी, बी ई बट्टे
ई सी बराबर में बी डी बट्टे डी ए, बी डी बट्टे डी ए ये क्यों हो जाएगा, थेल्स परमेस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण दो। समीकरण एक और दो को यदि गौर से देखें तो बी एफ बट्टे एफ ही बी डी बट्टे डी ए, बी डी बट्टे डी ए दोनों में है, इसका मतलब बी एफ बट्टे एफ ही जो है वो बराबर होगा बी बट्टे ई सी के। तो लिख सकते हैं समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा हमारा, बी एफ बट्टे एफ ई बराबर हो जाएगा बी बट्टे ई सी के, बी बट्टे ई सी के। साबित क्या करना था हमको, आ गया जी बी एफ बट्टे एफ ई बी बट्टे ई सी, बी एफ बट्टे एफ ई बी बट्टे ई सी, ये हो गया हमारा साबित, ये हो गया हमारा साबित। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर चार, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर पाँच देख लो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पाँच कह रहा है आकृति 6.20 में, ये आकृति जो है 6.20 है एनसीईआरटी क्लास दसवीं का मैथ का एक्सरसाइज 6.2 का। अब आकृति में कह रहा है डी समांतर ओ क्यू, डी ई समांतर दिया है ये है ओ क्यू, डी ई समांतर ओ क्यू तथा डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर, हमको दर्शाना है ई एफ समांतर क्यू आर। तो आ जाओ कैसे कर सकते हैं, कैसे दर्शा सकते हैं ई एफ समांतर क्यू आर, साबित कर सकते हैं और जरा देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लिखना है दिया है, क्या दिया है हमारे पास, दिया है आकृति में, आकृति में डी ई समांतर ओ क्यू तथा डी एफ समांतर ओ आर, ये हमको दिया है। साबित क्या करना है, साबित करना है हमको ई एफ समांतर क्यू आर, ये हमको साबित करना है। ठीक है, डी समांतर ओ क्यू दिया है, डी समांतर ओ क्यू दिया हुआ है, डी एफ समांतर ओ दिया है, डी एफ समांतर ओ आर दिया है, साबित करना है ई एफ समांतर क्यू आर। समझ में आ रहा है, चलो जी परमाण लिख ले, परमाण लिख लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले अपने को जाना है त्रिभुज पी क्यू ओ या ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में आ जाओ जी, इसको भी ड्रॉ कर ले। ये हमारे पास इस तरीके, इस तरह का एक त्रिभुज बन रहा है जो है ओ पी क्यू, इसमें दिया है ई डी समांतर, ई डी समांतर ओ क्यू, ई डी समांतर ओ क्यू क्या दिया हुआ है, ई डी समांतर ओ क्यू। जब ई डी समांतर ओ क्यू होगा तो थेल्स परमेय से क्या लिख सकते हैं, पी बट्टे ई क्यू पी डी बट्टे डी ओ। ठीक है, लिख सकते हैं, इसलिए पी ई बट्टे ई क्यू बराबर लिख सकते हैं पी डी बट्टे डी ओ, पी डी बट्टे डी ओ ये किससे हो जाएगा, थेल्स परमेस, थेल्स परमेस। समीकरण नंबर मान लेंगे एक। ठीक है, अब आ जाओ जी त्रिभुज इस वाले में पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में क्या दिया हुआ है, डी एफ यही दिया हुआ है ना, डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर दिया हुआ है। आ जाओ इसको भी ड्रॉ कर ले हम, समझ में आएगा इजीली। ये इस प्रकार से दिया बना हुआ त्रिभुज है, ये देखो ये P है, ये O है और ये R है, ये DF है। अगर DF समांतर OR होगा तो क्या हो जाएगा, PD बट्टे DO PF बट्टे FR। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं PD बट्टे DO उसके बाद PF बट्टे FR, ये भी किससे हो जाएगा, थेल्स परमेय से हो जाएगा। ये समीकरण नंबर अपना कितना हो जाएगा, दो। अब समीकरण एक और दो के देखो तो एक चीज़ कॉमन आ रहा है, पी डी बट्टे डी ओ यहाँ भी है, पी डी बट्टे डी ओ एक पक्ष बराबर है, इसका मतलब हमारा दूसरा पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण एक और दो से, एक और दो से क्या लिख सकते हैं, पी बट्टे ई क्यू, पी बट्टे ई क्यू बराबर यहाँ से लिख सकते हैं पी एफ बट्टे एफ आर, पी एफ बट्टे एफ आर। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं, अब देखो पी बट्टे ई क्यू
पी ई बट्टे ई क्यू आ रहा है, पी एफ बट्टे आ रहा है, पी एफ बट्टे एफ आर आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं ई एफ समांतर क्यू आर। अब ई एफ समांतर क्यू आर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये थेल्स परमे का विलोम बताता है, थेल्स परमे के विलोम से। थेल्स परमे का विलोम क्या बताता है, कि यदि समान अनु किसी त्रिभुज का किसी त्रिभुज को प्रतिच्छेद करते हुए दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई कोई रेखा खींचा गया है, जैसा कि अब खींचा गया है, अगर त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, जैसा कि यहाँ पर हमने साबित किया है पी ई बट्टे ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो, ये त्रिभुज वो रेखा जो है त्रिभुज के तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।